देखिए किस तरीके से तेज बहादुर यादव का पर्चा जो खारिज करने की कोशिश की जा रही है, उसमें हमारे देश के सैनिक धरने पर बैठ चुके हैं। हमें क्यों नहीं, आप पॉलिटिकल बात प्लीज सारे आ गए, मैं नाम नहीं लूंगा। कड़ी पार को लिया गया है, सबको लिया गया है, सबके ऊपर चार्ज, हमारे ऊपर चार्ज क्या है। आज भी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, फैसला नहीं आया है। हम किसी पर व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, हम जवान कहाँ जाएंगे सवाल है। हमें बर्खास्त कर दिया जाता है, सवाल है। डीएम साहब पहुंचाएंगे, डीएम साहब जिले के मालिक है, हमारी बात पहुंचाए। आज यहाँ पे तमाम जितने भी पक्ष विपक्ष सब लोग आए, आज संसद खोले, आज हमारी बातों को मांग को पूरी करें। हमारी मांगे जो है अगर नाजायज है तो हम आज फांसी पे इसको शेयर करते रहिए, पूरा देश देखे कि बनारस में क्या हो रहा है, किस तरीके से तेज बहादुर यादव का पर्चा खारिज करने की कोशिश की जा रही है। देश का जनसैलाब बनारस में उमड़ चुका है, देखिए पूर्व सैनिक सब धरने पर बैठे हैं। इस वीडियो को शेयर करते रहें, जितने बड़े बड़े ग्रुप हैं आप उन ग्रुपों में शेयर करिए, बनारस की हकीकत लोगों को दिखे। अच्छा एक बात और, राज की बात आप सुन लीजिए। आज देश में बुलाइए डोभाल साहब को, आज देश में चुनाव नहीं कराया जा सकता, हाई अलर्ट है। आप बॉर्डर से दो दो कंपनी विड्रॉल कर रहे हैं ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी के लिए। देखिए पूरा बॉर्डर खाली हुआ है, इसलिए आप पुलवामा का श्रेय लेना चाहते हैं, आप सेना पर राजनीति करना चाहते हैं। आज की डेट में जब चुनाव घोषणा हुई है उस समय सेना को बॉर्डर पे रहना चाहिए, हाई अलर्ट है। आप चुनाव करवा रहे हैं पुलवामा का श्रेय कर, आप गुप्तचर की रिपोर्ट मंगाइए, उन्होंने निश्चित रूप से दिया हुआ कि अभी चुनाव की हालत देश नहीं है, आप जबरदस्ती झोंक रहे हैं। आप अभी यहाँ बैठे जज साहब सब लोग चले बॉर्डर पर, देखे जहाँ 10 आदमी सुरक्षा में लगे थे वहाँ सारे लोग शेयर करते रहे बनारस में किस तरीके से। आप हाईलाइट की बात करते हैं, तेज बहादुर के पक्ष में लोग खड़े हैं। सुरक्षा नहीं है, आरडीएक्स पहले भी आया, अब भी आगे भी आएगा, कहाँ से आता है जब थल और कचहरी दगन के रास्ते। सुरक्षा व्यवस्था नहीं, मैन पावर नहीं है, जब से खड़ी हुई है ऑर्गेनाइजेशन किसी भी, तब से लेके आज तक चुनौतियाँ बढ़ी हैं, स्थितियाँ बढ़ी हैं, ड्यूटियाँ बढ़ी हैं, लेकिन जो मैन पावर उतनी है। आप देखते होंगे कि चौकी जहाँ 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 चौकी थी वहाँ थाना खुल गए, वैसी स्थिति वहाँ पे है, जवान नहीं है, मैन पावर स्ट्रेंथ की कमी है। आप राफेल ला रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या ला रहे हैं। आप एक सवाल सभी से मीडिया के माध्यम से, आप लोग जनता के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर एक आप छात्र हैं आपको 4 दिन जगा दिया जाए, अगर आप छात्र हैं अगर आपको 4 दिन जगा दिया जाए और फिर आपको हार्वर्ड से एक ट्यूटर हार कर दिया जाए, आप पढ़ो, आप पढ़ेंगे। आज जवान मानसिक रूप से शारीरिक रूप से थका हुआ है, आप कोई भी हथियार नहीं चलाएगा, 28 घंटे 33 घंटे सो रहा है, क्यों नहीं आप भर्ती कर रहे हो, क्यों नहीं शिफ्ट वाइज रोटेशन ड्यूटी कर रहे हो, क्यों कागज घोड़े दौड़ा रहे हो, क्या करेंगे आप लोग, कब तक मरते रहेंगे। हमारा सवाल है, हम नहीं जाएंगे, जिसको गोली मारना है, जिसको अरेस्ट करना है, जिसको आचार संहिता लगता लगे। अभी एक मजाक देखिए आप लोग, हमें देखिए हमारे ऊपर पूरा कानून लागू होगा, हमें शहीद कहा जाता है। जितने लोग देख रहे हैं मैं सबसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, अगर आपके अंदर राष्ट्रभक्ति है तो आप लोग बड़े बड़े ग्रुपों में शेयर करिए। घूम रहे थे काला कपड़ा ओढ़ के कि शहीदों को बदला लगे, आप कहिए ना मृतक है, संविधान का उल्लंघन नहीं है, आप जनता को चुनाव के प्रकार है, हम शहीद नहीं है, हम मृतक है, मृतक आपके बेटे मृतक है, कहिए ना देश से क्यों शर्माते हैं, कहिए मृतक है, मरे हुए हैं, हम जनता को एक मिनट, हम जनता को बता रहे हैं, हम आवाज पूरी देश को, मेरे देशवासियों ये जान लो, हमारे साथ भद्दा मजाक होता है, ये सीना छलनी छलनी हो जाता है जब हमें कहा जाता है कि हम शहीद नहीं है। अगर शहीद है तो शहीद का प्रमाण पत्र दिया जाए, न कि उनको मृत्यु का प्रमाण पत्र, मृत्यु का प्रमाण पत्र मिलता है। क्या हमारी मांगे नाजायज है? आप कहते हैं कि तेज बहादुर भगौड़े हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, हम हाथ से खाना बगान बनाते हैं, हम पैदल घूमते हैं, हमारा गाड़ी घोड़ा नहीं है। इतना चुनाव आपने महंगा कर दिया है कि एक आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता। मैं सवाल, आप चौकीदार और चोर का खेल खेल रहे हैं? कौन चौकीदार? क्या 5 साल के लिए सत्ता में चुनकर जाते हैं वे चौकीदार, या वे, मैं करूंगा वे जितने मेरे नौजवान साथी देख रहे हैं मैं सबसे निवेदन करूंगा, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसे बड़े बड़े ग्रुपों में शेयर करें ताकि पूरे देश को पता चल सके कि बनारस की सच्चाई क्या है, तेज बहादुर का पर्चा जबरदस्ती क्यों खारिज किया जा रहा है। माइनस और प्लस में ड्यूटी करते हैं, असली चौकीदार कौन है, कौन है असली चौकीदार? आप चौकीदार की बात करते हैं, चौकीदार जितना तनख्वाह लेता उसके लिए दिखाइए। हमें भाइयों पेंशन नहीं है, एनपीएस स्कीम देखिए। जो कुकुर मुत्ते यहाँ कमेंट कर रहे हैं, जितने कुकुर मुत्ते यहाँ कमेंट कर रहे हैं उनकी मैया दैया आप करते रहो,
जो भी हमारे समर्थक हैं क्रांतिकारी उनकी मैया दैया करते रहो। टेंशन नहीं है, क्या तेज बहादुर की मांग गलत है बताइए, कौन है सोशल मीडिया चलाने वाला जो सबसे बड़ा समर्थक मेरे सामने बैठिए, मेरे से बहस करिए। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम जीतने हारने नहीं, हम विरोध कर रहे नहीं आए, हमें जवाब चाहिए। अब आप कहेंगे, एक सवाल उठता है कि आप अभी क्यों, आप मोदी में क्यों, पहले भी तो ऐसा हुआ है। हाँ, 70 साल से हम चले गए हैं, स्वतंत्रता के पहले चले गए थे, बाद में चले गए। हम इसलिए आए हैं कि मोदी जी ने सबसे ज्यादा सेना का इस्तेमाल किया है। सेना की बात करते हैं तो सवाल किससे किया जाएगा, वर्तमान सरकार और सेना की सबसे ज्यादा बात मोदी सरकार ने किया है, तो सवाल लाजमी है कि मोदी से पूछा ही जाएगा कौन है बताइए, बुलाइए आमने सामने डिबेट। संबित पात्रा त्रिवेदी, कोई जो यहाँ का भाजपा का सबसे बड़ा प्रवक्ता जिला, आइए ना हमारे सामने बैठिए, आप लोग हमारे मुख गवाह बनिए इस डिबेट का। हम चैलेंज करते हैं, हमारी मांगे गलत नहीं है, हम भी राष्ट्रवाद के, हम राष्ट्र ओढ़ते हैं बिछाते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। इरफान मोहम्मदन सेना साथ है, सेना साहब, सेना पंकज मेरा CRP, मैं BSF, तमाम लोग आए हुए हैं, ठीक है। इसको शेयर करते रहें और जो भी अंधभक्त हैं आए, आप हिंदुत्व उन खैर नहीं है, आप राष्ट्रवाद, आप लोग देखते रहें, जो अगर गलत कमेंट करता है जवानों की लाशों पर, वो बच के न जाने पाए, उसकी हालत खराब कर दो आप लोग। हमारे ईंट का जवाब पत्थर से, आर्मी हो चाहे अर्धसैनिक बल हो चाहे पुलिस हो, आपको जानकर हैरान होगा कि पुलिस जो असली चौकीदार आपके पीछे बैठे हैं किस तरह पीड़ित है। एक कुशल कर्मी है, राजकर्मी नहीं है, राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला है, आप लोग पता होगा, ये बोल नहीं सकते हैं। इनकी तनख्वाहें 9-9 महीने में DA मिलता है, महंगाई भत्ता। इस समय 1100 लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि सारे लोग केवल 10-10 ग्रुपों में शेयर करें, 10-10 ग्रुपों में पूरी दुनिया को दिखनी चाहिए सच्चाई। क्या हालत होती है, अभी अभी हुआ था, बर्खास्त कर दिए पुलिस वाले, क्यों भाई। हम बोले आप करें तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, वहाँ खिलाड़ी वहाँ, आप कुछ बोले तो कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, हमें माला पहनने नहीं दिया गया, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, आप ये मत रखिए वो मत रखिए। आचार संहिता का तो वही उल्लंघन कर रहा है जो बैनर पोस्टर लगा कर अभी प्रचार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आचार संहिता में मन से लालच हटाइए और भाइयों और बहनों सामने आइए, मैंने क्या गलत किया है, फर्ज के आगे घुटना मत टेकिए, चाहे कितनी भी लालच उल्लंघन कर रहे हैं आज के डेट में, हम नहीं चाहते फर्ज के नाम पर लोग लड़ा रहे हैं, हमें बंद करो, आपकी बहन और बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं और उन्हीं को भाजपा सरकार टिकट दिए जा रही है, सारी तो जगह से टिकट ले सकते हैं, हमारा देश का जवान एक जगह से टिकट नहीं ले सकता, ऐसा कहाँ का न्याय है, या न्यायपालिका भी उनसे मिल चुकी है, या नहीं मिली है तो हम, सामने लाए, हम सारे लोग शेयर करें, सारे दुनिया को दिखाना चाहिए सच्चाई क्या है। तो जब नामांकन 24 तारीख को हुआ, जब नामांकन आपका 24 तारीख को हुआ, आप पुलिस डिपार्टमेंट सिग्नल से 24 घंटे के अंदर जांच ले सकते थे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, उनसे भी आप ले सकते थे ब्यौरा कि आप अपने BSF डिपार्टमेंट से दीजिए कि इनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई है, किस टिप्पणी से आपने इनको बर्खास्त किया है, और प्लस हरियाणा सरकार से भी ले सकते थे सिग्नल के माध्यम से, कोर्ट के भी माध्यम से, कि हमारे जो आपके तेज बहादुर यादव है, आपके क्षेत्रीय है, इनका क्या क्या ब्यौरा है, इनके ऊपर कौन कौन सा एक्ट लगा हुआ है, लेकिन आप इतना घंटे 48 घंटे 72 घंटे 108 घंटे भी बीत गया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। कल जब अमित शाह आते हैं और दफ्तर में इनके साथ बैठते हैं, जब चुनाव आयोग आचार संहिता लागू है तो सरकारी दफ्तर में सरकारी कर्मचारी के साथ साथ में कंधा से कंधा मिला के बैठने का क्या महत्व बनता है, क्या तात्पर्य उनका बताइए। अगर हमारे लिए आचार संहिता है तो उनके लिए नहीं है, अगर हमारे लिए अगर वो अफसर है तो क्या उनके लिए वो अफसर नहीं है, हमारे लिए अगर ये जज है तो क्या उनके लिए वो जज नहीं है, उनके लिए क्यों भाई बन रहे हैं। आज तेज बहादुर जी का जिस तरह से नामांकन पे सवाल उठ रही है, तो हम ये पूछना चाहेंगे न्यायपालिका महोदय से और DM महोदय, सारे लोग ग्रुपों में शेयर करें, सारे लोग जितने लोग देख रहे हैं सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि तेज बहादुर के लिए आखिर जाए किस माध्यम से, थोड़ा साइड हो गया कि जैसे जो भी जवान पूरे विश्व में एक इतिहास बना हुआ है कि सेना से जो भी बर्खास्त होता है वो कभी भी किसी भी सिविलियन के पास यहाँ हाथ जोड़कर भीख नहीं मांगता, लेकिन भारत में पहला बार ऐसा इतिहास बना है कि सेना से बर्खास्त होने के बाद हमारे जवान लोकतंत्र में
राजनीति करने के लिए आए हैं, अन्यथा आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप लोग तो कानून के ज्ञाता हैं, वो हथियार का जवाब हथियार से देते हैं और हथियार से चढ़ाई करते हैं। आज हम लोग चार आदमी आए हैं, चार जवान आए हैं, कल ये 4000 हो जाएंगे पूरे देश से। जैसे ही मालूम चला है कि जितेश बहादुर जी का नामांकन में सवाल उठी है, पूरे देश से जवानों ने ट्रेन पकड़ लिया, हर जगह से तमिलनाडु, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जो भी जवान है, और सर्विस वाले तुरंत कांटेक्ट में लगातार बने हुए कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, हम लोग जाए कहां, आखिर हमें 8 घंटे के बदले 24 घंटे ड्यूटी, इतना मेंटलिटी टॉर्चर, पूरे होल इंडिया ड्यूटी, कहीं कोई मना ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें डिपार्टमेंट में इतना टॉर्चर और परेशानी मिलती है। हमने तो मोदी जी के सामने अपना आवाज उठाई, अपना करप्शन दिखाया कि देखिए मोदी जी, जिन्होंने जिनको हमने चुन के 2014 में जोरों शोर के साथ हमने संसद में भेजा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो हमने उनसे आग्रह किया कि देखिए हमें डिपार्टमेंट में दाल रोटी मिल रही है और आप इसे कृपया महोदय इसमें दाल का दाना डलवा दीजिए, इसमें जो है पीला पीला रंग खाली घोलने से नहीं होगा। तो उन्होंने जो है सुनवाई नहीं की और आज मोदी जी को बर्बाद करने वाले खुल्लाम बोलते हैं, उनके डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं सीनियर अधिकारी जो उनको गलत सलाह दे करके आज पूरे देश का जो जवानों का वोट बैंकिंग ले रहे थे, उनका सारा का सारा अवसर बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सलाह दिया था कि अकेला तेज बहादुर को निकाल दो, डिपार्टमेंट सही चलेगा, नहीं तो बगावत की स्थिति आ जाएगी। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि साल भर हो गए हमारी आवाज उठाए हुए, कहां बगावत देखे, कहां हथियार चली? नहीं, क्योंकि सभी लड़के पढ़े लिखे हैं और भारतीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। इसके माध्यम से लोगों ने सिर्फ जो है कोर्ट के माध्यम से किसी ने आवाज उठाया, किसी ने मीडिया के माध्यम से उठाया, किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया, लेकिन आवाज उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर 750 जवानों ने आत्महत्या की है, उसकी कुर्बानी कौन देगा, उसका जवाब कौन देगा? आप लोग बताइए, एक जवान को ट्रेनिंग करने में कितने भारत सरकार के पैसे करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन 700 कुछ जवान जो है आत्महत्या कर लिया, लेकिन उसका जवाब खुशी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता है। आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस कर्मचारी भी हैं, इनको भी ड्यूटी होती है, किसी भी जवान से पूछ ले, आपके घरों हित मित्र मेरे रिश्तेदार में होंगे, कोई भी